हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बड़ी जोरों की चोट लगी मुझे यहाँ पे। ये बताइए कितने माप आई यहाँ पे? बहुत जोरों की चोट लग गई मुझे। बहुत तेज से यहाँ पे लगा है। पता नहीं कौन पानी बता रहे थे, हम भी मोटर चलाएंगे और यहाँ पे मीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बालू वगैरह कुत्ता फैला देते हैं ना, तो इसको अच्छे से ढाँक दिया गया है। और गिट्टी भी हट गई है, गिट्टी भी चली गई है। और यहाँ कुछ गिट्टी यहाँ पे आई है, कुछ बोरी में भर के वहाँ पे रखा गया है। और मैं भी आराम से यहीं बैठी हूँ। यहाँ कितना दर्द हो रहा है, यहीं पे लगा है, इतना ज़्यादा जोरों का दर्द हो रहा है। बंद बंद, इधर रहो, थे ना, तो पति से हम झाड़ते हैं। इधर खड़े रहो, आप इधर खड़े हो ही तो। हेनन के जौन बहुत बतीसी निकला, राक्षसी निकले। जैसे कहूँ लड़की देखे ना इन कुत्ते में, हरामी नीच नहीं तो। कहते हैं ना, जो नीच रहते हैं वो नीच ही रहेंगे, नीचता उनके अंदर भरी रहेगी। चप्पल से ना मारूं तब दिमाग खोस हो जाए। छत पे चलो गया, छत पे चले वहाँ ऊपर। पर ये भी चिंदी समझा देते हैं ना, वो अपना रखेगा, तुम समझाओगे। पर वो अपना रखेगा ना, रखने का नहीं। हाँ, रखने का उसको है ना, नहीं उसको कुछ नहीं। जब तक वो नहीं पूछेगा तब। पापा, तो यहाँ पे मैं बैठी थी, थोड़ा सा हवा भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मेरे सर पे जो चोट लगी ना, उसकी वजह से मेरा कुछ भी मन कर नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ या फिर मैं कुछ काम कर लूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि हम लोग जाके छत पे घूम के आते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कितना चोट है। हाँ, चल रहे हैं और वहाँ पर देख भी लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर कुंडी बंद कर लो या खुला रहने दो। तुम गधे हो खुद, तुम बंद करो वहाँ, उनको बुला रही हो, इसको बंद करने के लिए तो मैं पूछ रहा। जात रही है छते पे, छते पे किधर से? इस वाले छत पे जा रहे हैं। तो अभी मुझे जो लगा है, इस लकड़ी से लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इतनी तेज़ से मुझे इस लकड़ी से लगा,
मैंने झुकी भी थी। और यहाँ पे बीम जो है मतलब पिलर बना है, यहाँ पे लकड़ी जो लगा हुआ है उससे झुकी और बहुत तेज़ से यहाँ पे लगा, और इतनी तेज़ से लगा मुझे कि मैं वहीं पे जगह पे बैठ गई। और अभी कहते हैं अगर टूटा फूटा रहता है कुछ भी तो समझ में नहीं आता है ना, जब बन जाता है तब समझ में आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है लकड़ी जो दीवार टूटी है तो यहाँ पर इतना ईंटा निकला हुआ है, इतना ईंटा निकला ये पता नहीं क्या है। अच्छा खीला है ये, एक खीला आया हुआ है तो शायद पटर वटर लगेगा। तो यहाँ पे इतना मलबा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इतना मलबा इकट्ठा हुआ है। और ये ईंटा जो है मिस्त्री कहे कि इधर साइड में रखवा दो, तो ये सारी ईंटें जो है इधर साइड में रख गए हैं। अब अभी इसी को इसको भी तोड़ेंगे हम, बहुत तेज़ से लगा यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो ये टाइल्स लगा हुआ है देखिए, टाइल्स हमको तो नहीं लगता है कि बच पाएगा शायद। अरे यार ये तो पूरा के पूरा हिल रहा है ये, अब देखिए ये देखिए ये, अगर यहाँ पर टाइल्स निकल जाता ना तो यही टाइल्स फिर से लग जाती, लेकिन वैसे मुश्किल है। देखिए क्या करते हैं, अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो बल्ली वगैरह आई हैं इसको सपोर्ट देने के लिए वो आ गई है, तो इसको पहले सपोर्ट करेंगे। हमने किचन की लाइट जलाई रखी है तो जला ही रहेगा। और आज मैंने चोटी बनाया है बहुत दिनों के बाद आज मैंने चोटी बना रखी है। बताए मैं इस कमरे में जाऊँगी ना, यहाँ पे एक लोटा रखा है, लोटा निकालना है मुझे। बेटा लोटा निकाल लेना बाहर का, इसलिए मैं आई थी। तो पहले हम लोग कुछ दूसरा सोच रहे थे, आप कुछ दूसरा सोच रहे हैं, समझ में नहीं आता यार क्या ही करूं। मैं अपने सर में क्या लगाऊं यार, हल्दी और मिश्री अपने सर में क्या लगाऊं, लेते चलो इसको मांज लेंगे, इसको दे देंगे वो लोग अपने पानी वाली पियेंगे। देखो ये उसमें रख दिए थे ना, इसमें जंग लगना शुरू कर दिया, देख रहे हो, जबकि इसमें देखिए पानी में रख दिए थे तो इसमें जंग लगना शुरू कर दिए। इसको मत बंद करो, मैं लास्ट में बंद करूँगी, लाइट भी जलने दो, आते समय अंधेरा हो जाएगा ना। तो इसके बाद हम लोग चले हैं छत पे, तो हम लोग आ गए छत पे। इतने मेहनत से मैंने झाड़ू लगाया था, इसमें धुलाई की थी, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। अब मुझे झाड़ू वाड़ू कुछ लगाना नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। छत पे आई तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, सीढ़ी बंद कर दो। और यहाँ पे जो है दीवार टूट रही है, अब ये देखिए चेंज, ये देखिए दीवार टूट रहा है, पापा का प्लान चेंज। यहाँ पे ये दीवार टूटेगा, हाँ क्या कह रहे हैं कि अब इसको ना ही तोड़वाते हैं, कहीं पकड़ मजबूत हो कमज़ोर हो जाएगी, कहीं सीधे फिर पीछे वाला तोड़वाते हैं। तो रहने दें, तब इतना टूटा भी टूटा ही दे, तब एक पड़ा रह दिए। और ये जो बने यहीं पे एक दू रद्दा जोगा दो, तो पिलर है ये बा यहीं पे टूट, तो पिलर पिलर रहने थे तो पिलर से मजबूत नहीं रहेगा। हाँ रहेगा तो है, तो वो एक हो जाएगा। पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है आज, हमारा बहुत दिमाग अपसेट हो गया है। पहले सोच रहे थे, कहते हैं ना जो भी चीज़ सोचो कि यहाँ टूट जाएगा वहाँ टूट जाएगा, डर भी लगता है। ये देखो पूरा बकेट भरा है पानी से। अरे बेटा यहाँ झाड़ू टूट जाएगी, यहाँ कौन ले आया है? मैंने नहीं लिया है। तो हम आ गए, हाँ
इसमें डाल दो। डाल दो डाल दो, नहीं ख़राब कर दी हूँ हम ये चीज़। मैं यहाँ पे सोच रही थी ना कि ये आउटडोर लगा है तो वही वो लगा देंगे कूलर का, और यहाँ पे ये टूट जाएगा ना तो जब नहीं तो ये तो हट ही जाएगा ना, ये हट जाएगा तो उधर से तिरछा आएंगे जाएंगे, अब ये जब 4-5 साल में जब खराब होगा। फूल छोड़ी हो कहाँ? गुड़हल का नहीं दिख रहा होगा। तो हम फाइनली आ गए हैं छत पे और देखिए ये से पट्टा सही से देखो उसका इतना घर बन गया। हाँ, मैंने देखा था आज मैं छत पे आई तो थी सुबह जल्दी जल्दी मैं चली गई थी तो वो घर बन रहा है। वो देखिए वो पीछे बन रहा है, ये स्टार्ट कब से हुआ है ये अभी कोई इसका आता पता नहीं। तभी काफी दीवार जो आ गई है उसका वो सीढ़ी का जीर्णा भी टूट गया ना, टूटा है ना जो सीढ़ी का था तभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता ऊपर दीवार चली गई तीन है। नहीं वो तब भी दिखता ना, अभी 5 फीट तो दीवार गई ना, अभी 5 फीट और बचा है। तीन अब वो रेस लगा रही है, रेस लगा रही हैं। श्रेया कह रही है मम्मी देखो रेस लगा रही हैं, तो अब उनका काम है। और गिलहरी टहल रही हैं, शाम का समय है तो अपने घर जाएंगी आएंगी। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।